व्यूअर्स, 13.7 अरब साल पहले हमारी सारी कायनात एक छोटे से नुक्ते में समाई हुई थी। साइंसदान इस नुक्ते को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी इस वक्त इन्फिनेटली डेंस और इन्फिनेटली हॉट है। इस नुक्ते में मैं, आप, सितारे, सैारे, कहकशाएं और इस कायनात में मौजूद तमाम चीज़ें सिमटी हुई हैं। टाइम, स्पेस, एनर्जी, मैटर, हत्ता के इंसानी तारीख में होने वाले तमाम वाक्यात सब इसी सिंगुलैरिटी की गिरफ्त में हैं। व्यूअर्स, अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कायनात की कहानी शुरू होने को है। ये सिंगुलैरिटी अचानक से एक जोरदार धमाके से फट पड़ती है। व्यूअर्स, साइंसदान इस धमाके को बिग बैंग कहते हैं और इस धमाके के साथ ही मैटर, एनर्जी, टाइम, स्पेस और इंसानी जिंदगी में होने वाले तमाम वाक्यात इस सिंगुलैरिटी की गिरफ्त से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन इस धमाके के नतीजे में बनने वाली यूनिवर्स अभी सिर्फ प्योर एनर्जी यानी तवानाई के सिवा और कुछ नहीं। इस बेबी यूनिवर्स में अभी मैटर यानी मादे नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं। और व्यूअर्स, चौंका देने वाली बात यह कि आज तक इस कायनात में मौजूद सारी की सारी एनर्जी बिग बैंग के नतीजे में रिलीज हो चुकी थी। आज के दिन में फ्यूल से बनने वाली एनर्जी जो हमारी गाड़ियों को मुतहरिक करती है, या फिर वो एनर्जी जो सूरज से निकल कर फलों और सब्जियों को फोटोसिंथेसिस यानी उनकी नश्वोनुमा में मदद देती है, सब की सब इस बिग बैंग के नतीजे में बन चुकी थी। व्यूअर्स, इस बात को हम फिजिक्स के कानून लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तनाजुर में भी समझ सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। इसका मतलब ये हुआ कि तवानाई को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। तो इससे ये साबित हुआ कि कायनात में मौजूद सारी की सारी एनर्जी बिग बैंग का ही शाखसाना है, जो बाद में एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रही। व्यूअर्स, अगर हमारी ये बेबी यूनिवर्स एनर्जी के सिवा और कुछ ना थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस कायनात में मौजूद तमाम सितारे, सैारे, कहकशाएं और हत्ता के हम खुद भी मैटर से बने हैं। तो अब ये मैटर कहाँ से आएगा? इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम चलते हैं आइंस्टाइन की बहुत ही मशहूर इक्वेशन E=mc² की तरफ। सादा अल्फाज में E=mc² ये कहता है कि मैस और एनर्जी इंटरचेंजेबल हैं, यानी मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में बहुत आसानी से तब्दील किया जा सकता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम मिसाल लेते हैं एक एटम बॉम्ब की। एटम बॉम्ब एक मैटर से बना है और एक मैस भी रखता है। अब जब यही एटम बॉम्ब एक धमाके के साथ फटता है तो बे इंतहा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज करता है, यानी मैटर को असल में एनर्जी में तब्दील करता है। व्यूअर्स, इससे ये बात साबित होती है कि आज से अरबों साल पहले हमारी कायनात ने भी कुछ ऐसा ही किया कि एनर्जी को पहले मादे यानी फर्स्ट मैटर में तब्दील किया। और डियर व्यूअर्स, यही वो पहला मादा यानी फर्स्ट मैटर था जो हमारी पूरी कायनात की बुनियाद रखेगा
और हत्ता के हमारी कहकशाओं, सितारों और सैारों को भी बनने में मदद देगा। लेकिन हमारी ये बेबी यूनिवर्स अब ये मुश्किल काम कैसे सरंजाम देगी? इस कायनात में मौजूद ये एनर्जी कैसे मैटर में तब्दील होगी और कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर फर्स्ट एटम को जन्म देंगे? वही फर्स्ट एटम जो बाद में मैटर में कन्वर्ट होगा और वो मैटर जो इस पूरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी अगली वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा।